शौक से बनी संगिनी। गौरी दरवाजा खोल। अगर पीहू के बाद मेरी जिंदगी में कोई अपना है तो तू है। पूरी दुनिया ने मुझसे शराब छोड़ने के लिए कहा, लेकिन अगर मैंने छोड़ी तो सिर्फ तेरे कहने पर, क्योंकि तू मेरी दोस्त है। गौरी गौरी प्लीज दरवाजा खोल, प्लीज गौरी, इतनी मतलबी मत बन गौरी, दरवाजा खोल। मैंने तेरे कहने पे अपनी जिंदगी का रास्ता बताया है, मुझे वापस उस बर्बादी के रास्ते पर मत जाने दे गौरी। गौरी दरवाजा खोल। किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती, क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती। इश्क में क्या से क्या हुए, मिल गए कभी फिर जुदा हुए, बस खिजा मिली इस बहार में, उम्र कट रही इंतजार में। क्यों किसी को हंसी के बदले हंसी नहीं मिलती, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। ले जाओ इसे, किसी के जज्बात की कदर करना तो तुम्हारे बस की बात है ही नहीं, से कम इसे अपने पास संभाल कर रख लेना। ये पल कहीं ठहरा नहीं, यादों पे तो पहरा नहीं, जब दवा से भी जख्म न भरे, ऐसे हाल में सोचो कोई क्या करे। क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। गौरी मुझे कम से कम एक मौका तो दिया होता, एक मौका, मेरी बात तो सुनती, क्यों बीच में छोड़ के चली जाएगी तू, सोचा नहीं।
राजरानी दीदी और उनका परिवार इस शादी में नहीं आ रहा है पीहू। मैंने कल दीदी से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। कह रही थी कि कल वो इसलिए आई थी क्योंकि वो लोगों को सिर्फ ये जताना चाहती थी कि हम दोनों परिवारों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन सच तो यही है कि अब इन दोनों परिवारों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। और इस सच को तू जितना जल्दी स्वीकार कर लेगी ना बेटा, तेरी आने वाली जिंदगी की खुशियों के लिए उतना ही अच्छा है। रुद्र घर पे नहीं है बेटा। एक तरह से हमारे लिए ये अच्छा ही है। मुझे उम्मीद थी कि शायद वो लोग हमें माफ कर देंगे, लेकिन वो लोग भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। जो घाव हमने उन लोगों को दिया है ना, उसे भरने में शायद बहुत लंबा वक्त लगेगा। लेकिन तू फिक्र मत कर बेटा, तू खुशी खुशी अपने ससुराल जा और अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभा। हम लोग है ना यहाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए और इन दोनों परिवारों के बीच फिर से एक मजबूत रिश्ता जुड़ जाए। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन बस ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा। बेटा तू पूरी तरीके से तैयार है ना इस शादी के लिए? खुश है ना तू अपने फैसले से? हाँ? आपने तो कहा था कि वक्त बहुत कम है, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। और वैसे भी थोड़ी देर में मैं आपकी बेटी से अभय के खानदान की बहू बन जाऊंगी। बेटा शादी ब्याह के फैसले जिंदगी में सिर्फ एक बार होते हैं, तू फिर से सोच ले, क्योंकि तेरे साथ साथ अभय की भी जिंदगी का सवाल है। तेरे इस फैसले से सिर्फ तेरी ही नहीं, अभय की खुशियां भी जुड़ी है बेटा। मुझे पता है माँ, आप चिंता मत कीजिए, जो कर रही हूं उसके लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। मुझे लगा था गौरी के पीहू को वापस पाने में तू मेरी मदद जरूर करेगी, लेकिन औरों की तरह तूने भी मुझसे मुंह फेर लिया। ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही होता है, लेकिन तूने एक बात सही कही थी गौरी, पीहू मेरा प्यार है और उसे हासिल करना मेरी जिम्मेदारी है। अब तू देख मैं अपने प्यार को हासिल करने के लिए क्या करता हूं। इतिहास गवाह होगा आज इस रात का। शुरू कर सकते हैं। देखो मैं चाहे कुछ भी कहूं, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुमसे मेरी ओपियो, फिर मेरी ओपियो, फिर मेरी ओपियो, मेरी ओपियो।
आज तो मुझे बहुत याद आ रहे हो रुद्र। तुमने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, इतना भला बुरा कहा, फिर भी मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूं तुम्हें याद करने से। ना जाने ये याद किस बात का अंदेशा दे रही है। जल्द से जल्द रुद्र का पता लगाना होगा, वरना वो जरूर गुस्से में आके कुछ ना कुछ गलत कर बैठेगा। अरे उसका गुस्सा भी तो शिव जी की तरह है, अपने गुस्से की वजह से अपने आप को परेशानी में डाल सकता है। हे शिव जी, अब आप ही इस भक्त की मदद कीजिए। मेरे दोस्त को कुछ गलत करने से तू इतनी रात को? मामी वो मुझे झुमरू से बात करनी थी। हाय हाय, पूरा दिन मेरे भांजे से मुफ्त में काम करा के तुझे चैन नहीं मिलता? जो रात में भी आ गई उसे मजूरी कराने। अब खड़ी क्या यहाँ? जा यहाँ से, सुबह आना। सो रहा है अभी झुमरू। मुझे बस दो मिनट झुमरू से बात करने दो मामी। नहीं जी नहीं। ए मामी, तू हमेशा मेरी माँ बनने की कोशिश क्यों करती रहती है? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि जो तू बोले मैं वो करूँ। अब जाना, मेरे को दीदी से बात करने दे, नहीं तो कल सुबह गौरव को हरिद्वार की सैर करवा के पैसे नहीं कमाऊंगा तेरे लिए। और तेरे चांदी की बूंदे खरीदने का सपना धरा का धरा ही रह जाएगा। नेकी कर, जूते खा। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जा यहाँ से। क्या बात है दीदी, तू इतनी परेशान क्यों है? तुझे पता है कि वो रुद्र कहाँ रहता है झुमरू? तुझे उसका पता जान के क्या करना है? मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है झुमरू। अगर जल्दी से उसका पता नहीं मिला तो सचमुच बहुत देर हो जाएगी झुमरू। दीदी, उसने तुझे अपना फोन नंबर तो दिया था ना, तू उसे खुद फोन करके क्यों नहीं पूछ लेती? मैंने कोशिश की थी झुमरू, लेकिन उसका नंबर मिल ही नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। जाते वक्त उसने कोई ऐसी बात कही थी कि पूरी दुनिया ने मुझसे शराब छोड़ने के लिए कहा, लेकिन अगर मैंने छोड़ी तो सिर्फ तेरे कहने पे। मैंने तेरे कहने पे अपनी जिंदगी का रास्ता बताया है। मुझे वापस उस बर्बादी के रास्ते पर मत जाने दे गौरी। मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई तोड़ निकाल झुमरू, कुछ कर। शायद उस 4.5 फुट जगदीश तांगे वाले को पता होगा दीदी कि वो कहाँ रहता है। नशे की हालत में वही तो उसे घर पहुंचाता था। वो बोलता था मुझे, चल चल के उसे ढूंढते हैं। चल अरे दीवान, आज क्या कर गुजरेगा?
हर बात का वक्त मुकर्रर है, हर काम के साथ होती है, हर काम के साथ होती है। हर वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। रस्तारों का कभी काली घटा ने घेरा डाला कभी बैरन हवा ने, बिजली चमक के लगी आंखें दिखाने, बिजली चमक के लगी आंखें दिखाने, बदले हैं कैसे कैसे तेवर फजाने, बदले हैं कैसे कैसे तेवर फजाने, सारे वादे Yeah.